वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास व्लॉगर। कैसे हो आप लोग? बुरे हैं हम लोग। ये मंदिर आए हुए, ये मंदिर से अभी यहाँ से और भी दूसरा एक और मंदिर है, हम वहाँ चढ़ेंगे। तो पार्ट टू में हमको दूसरे मंदिर की जर्नी दिखाएंगे आपको। तो बस इस व्लॉग के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। एक और बात, हमारे भाई साहब यहीं तक का सफर था। अब यहाँ से हम दोनों जाएंगे अकेले। वो भाई को क्या है, थाक चढ़ गया थोड़ा। यहाँ पे बंदर बैठे तो यहाँ पे व्लॉगिंग करना मेरे लिए और भी मुश्किल हो गया है। तो फोन छीन के ले गए तो बन गया व्लॉग अपना। घर पे खीमा बनेगा अपना, खिचड़ी बन जाएगी मार मार के। चल चूटा। यहाँ पे देखो ये बंदर बैठे है, दांत दिखा रहे। देखो मेरे को दांत दिखा रहे। मैं टूथपेस्ट करके आया हूँ, ब्रश किया है बरोबर मस्त दंत कांति से। चलो तो अब यहाँ से आपको ऊपर का झरने दिखाएंगे। और मतलब यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था होती है। देखो वो बंदर ले, अब सब उसको देखा देखी भागेंगे। आ गए बंदर, ले रोटला ले लिया। अरे अरे अरे, अरे पूरा गांव भाई साहब देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको रसोड़े वालों को कितनी तकलीफ पड़ती है, हर रोज बंदरों को ऐसे ही भगाना पड़ता है। और ये वो ना पूरा रोटला ले लेके भाग जाएंगे। तो यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है और ये छोटे छोटे कंकर है जिससे हम फिसल भी सकते हैं। और मतलब और अगर एक बार फिसल गए तो यहाँ से सीधा मतलब नीचे जाएंगे, खत्म। बहुत रिस्की है, बहुत ग्रिप बना के चलना पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा भी चूके तो गए। घर पे से आए तो सही सलामत थे, जाएंगे हड्डी हड्डी टूटवा के। कुछ भी कुछ भी, फिर पता नहीं व्लॉगिंग आएगा नहीं। मतलब इतना सब सुनने की जरूरत नहीं है। चलो यस, यहाँ पे कूदते दौड़ते मस्ती करते और नेचर का आनंद लेते हुए जा रहा है। और चलते रहो। विजय तो वहीं नीचे ही रुक गए, वो बोले अब मेरे से नहीं होगा, बस हो गया, इट्स ओवर ओवर। मस्त इंग्लिश था ना। अरे गोरो को भी मैंने इंग्लिश सिखाया था। समझते क्या, हिमांशु कश्यप नाम है और इस चैनल का बिंदास व्लॉगर है। तो करो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब, करते क्यों नहीं हो। तो अभी हम चढ़ चुके इतना, अभी यहाँ पे बैठे थोड़ी देर मस्त बोकरे पे नेचर का आनंद लेते हुए। और यहाँ पे क्यों बैठे, तो कि अब थोड़ी पेट पूजा तो बनती है। ये इसका मटेरियल है, पकड़। ए उबर है, ए रुक जा, बज रहा है भले बत्ताला। अच्छा मेरा नेक बैंड बज रहा है, वो बटन दबा के रख बंद हो जाएगा। अरे वो बटन है ना। हाँ दोस्तों, ये बीट्स का चेवड़ा, इसका फरार नहीं है फिर भी फरारी चेवड़ा खा रहा है। कोई नहीं, मैं ही खा लूंगा। इसका करना चाहिए, टाइम देखने गया तो केवड़ा नीचे गिर गया। सह लेंगे थोड़ा सा, कोई नहीं बंदर खा लेंगे। ले पकड़ उस लोगों को, देखो। और यहाँ देखो, इन लोगों ने मेरे 100 रुपए का करना खा। 100 रुपए के पड़ीका भर के लाए। देखो पता नहीं क्या क्या क्रंच बनते है, कुरसुरा मुरमुरा से ममरा। और अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट 9:15 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 9:17 समथिंग टाइम हुआ है। और ये नेचर का मजा ले रहे हैं हम, यहाँ पे शांति से बैठेंगे, आराम से खाएंगे। बस भगवान से इतनी दुआ करेंगे कि बंदर ना आए, नहीं तो हमारा बंदर कर नाखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। देखो मेरे घड़ी पे छाते आ रहे हैं, मेरे फोन पे भी मतलब मेरे रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं। और ऐसे मतलब हल्की हल्की बारिश में इतना ठंडे मौसम में ग्रीनरी में वेफर खाने का भाई क्या ही मजा है। मतलब भर भर के वेफर खाओ, ठूसो, मोटे होने की कोई चिंता नहीं है, खाओ और ऐश करो। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा साउंड थोड़ा सा कम आ रहा होगा, लेकिन अभी बज चुके हैं 9:25 और यहाँ पर देख सकते हो बारिश चालू हो गई है। और ये बारिश धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। अब हमको मतलब बहुत सतर्क लेके चलना होगा क्योंकि कांकरे भी है और मगर मिट्टी गीली हो गई तो फिर हम फिसल भी सकते हैं। पत्थर वत्थर गीले हो रहे हैं, सब कुछ बारिश वारिश चल रही है। पर सीन इतना अमेजिंग आ रहा है ना भाई, क्या ही बताए आपको। जितनी भी थकावट थोड़ी बहुत भी हुई होगी ना, ये
नज़ारे देख के आपकी पूरी थकावट मिट जाएगी। और ये यार यार मैं नेक बैंड का कुछ जुगाड़ कर दिया है, ये बैग गिरा मैं, देखो बुद्धि का प्रदर्शन। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अभी आपसे 1 किलोमीटर और ऊपर चढ़ने का है, वो पत्थर पे है ना जो वहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ का सीनारियो भाई, मतलब हम बादलों के बीच में है, चारों तरफ कोरा ही कोरा भाई, लैंड करा दे। ये वाला मीम भी बहुत वायरल हुआ था। और भाई मतलब चलते ही जा रहे कोई ठिकाना नहीं पता, नहीं ठिकाना पता है भाई, एरो मारे हुए कम्प्लीट। और यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, वहां पे सीढ़ी था, पर विजय ये सीन मिस कर रहा होगा क्योंकि वो तो नीचे बैठा है, आया होता तो अच्छा रहता ना, इतना मस्त सीन मिलता। और भाई मतलब इतना अच्छा नेचर है भाई, नेचर को मत बगाड़ो। आज से मैं एक संकल्प लेता हूँ कि आज से जो भी प्लास्टिक है ना वो मैं अपने पास ही रखूंगा, बाद में डस्टबिन में ही डालूंगा पक्का। चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ यहाँ पे आने का, बाकी बस अभी हम ऊपर जाएंगे और ऊपर के भी सीन्स आपको दिखाते रहेंगे। बाकी तो भाई अमेजिंग दोस्तों, ये देख सकते हो ये कोई पत्थर वत्थर नहीं है, मतलब सीढ़ी जैसा आकार पड़ा है ये इस पेड़ के रूट्स है, और मतलब नेचर ने हमारे लिए खुद ब खुद रूट्स बना दिए, सॉरी स्टेप्स बना दिए, मतलब सीढ़ियाँ बना दिए। यहाँ से हम चलते ही जा रहे, मतलब हर 5 मिनट के बाद बारिश आ रही है, देखो वापस बारिश आ गया। अभी ऐसे तो मैं वो प्लास्टिक वाला कवर लेके ही आया था, मैंने सोचा कि मेरे सब्सक्राइबरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको मैं पूरा सीन दिखाऊंगा यहाँ का। तो चलो, और ये है वाइल्ड वर्सेस कुछ भी क्या बोलते हैं यार, डिस्कवरी पे आता है ना, भूल गया, वाइल्ड वर्सेस मैन वर्सेस वाइल्ड है। मैं मैन हूँ और ये सामने जा रहा है, ये वाइल्ड है वर्सेस। अब यहाँ से इसको उठा के फेंक देंगे, इसने अभी नीचे ही बोला था, पार्ट वन में इसने बोला था कि इसका इंश्योरेंस है ना इंश्योरेंस, हाँ तो बस इसको यहाँ से फेंक देंगे। और ये बारिश थोड़ा सा और तेज हो गया है, अभी मेरे को फोन अंदर रखना पड़ेगा। ये देखो मेरे कैमरे के पीछे भी थोड़ा पानी आ रहा होगा, इतना रिजल्ट भी नहीं आ रहा, पर भाई एक बार मैं अपने सारे स्कूल के दोस्तों को यहाँ पर लाऊंगा पक्का, उनसे बोलूंगा जिनको आना हो आएगा, उनको नहीं आना हो उनकी इच्छा। क्या देख लिया इसने ऐसा बोल रहा है, अरे भाई यहाँ से सीन देख लिया इसने, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो तेरी, ए यस वहां पे मत चढ़, चलो मैं भी चढ़ूंगा, मेरी चढ़ते फट रही है यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं। उबर है, मैं घूम के आता हूँ, आ रहा उला। ये भाई साहब करे जा रहे हैं, हमारे भाई साहब लग चुके हैं यहाँ पे। यस पहले बैग लेना दोस्तों, मैन वर्सेस वाइल्ड, यहाँ पे ये रहा यस, यहाँ पे बैग फेंकना पड़ेगा लगता है, यहाँ पे हमारा वाइल्ड तो चढ़ गया है, मैन बाकी है। अरे यार ये कैमरे बार बार पानी आ रहा है, मैन विल बी मैन कहाँ भी चढ़ जाएगा, तेरे ऊपर चढ़ना वो भी चढ़ जाएगा, चुपचाप रहे। ये यहाँ पे चढ़ना रिस्की दोस्तों, मैं आपको ऊपर जाके सीन दिखा दूं, पहले मेरे को ऊपर चढ़ना था। ये डायनासोर चल रहा है, और भाई आप देख सकते हो क्या सीन है, आप भी देख सकते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। अरे और महादेव दोस्तों देख सकते हो, मतलब इस नजारे के लिए इतना मेरे को चढ़ना पड़ा, वो हमारा इंतजार कर रहा है, अभी तो ऊपर भी स्वर्ग है, ये इसको बोल सकते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ियां, भाई क्या ही सीन है मतलब।
तो दोस्तों फाइनली हम आधे से ज़्यादा केदारनाथ क्लाइम कर चुके और अभी अब इसके जो बाद वाला हम मंदिर तक कैसे पहुँचेंगे टोटल एकदम ऊपर तक वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके दोस्तों बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करके ही जाना क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाए।